तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा द वोल्वरिन मूवी के बारे में जो 2013 में आई थी, और एक्समैन के अंदर एक्समैन की जितनी मूवीज हैं उसके अंदर वोल्वरिन की अलग से मूवी बनाई गई थी। खैर, ह्यूग जैकमैन की जितनी भी मूवीज हैं अलग से वोल्वरिन की, वो मेरी काफी ज्यादा पसंदीदा मूवीज में रही हैं। और जो इनकी लास्ट जो मूवी आई थी लोगन नाम से, जिसमें वोल्वरिन की डेथ होती है, एक इसके अंदर बड़ा ही अलग सा कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इसके अंदर फोकस जो है वो एक्शन के ऊपर नहीं है, कहानी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। लोगन की डेथ होती है, वो कैसे टायर्ड हो गया, ये सब चीजें उस लोगन मूवी के अंदर दिखाई गई हैं। लेकिन जो ये 2013 में द वोल्वरिन मूवी आई थी, इसके अंदर मेन फोकस इनका एक्शन के ऊपर ही रहा है। और इसी मूवी के अंदर एक फेमस सीन है जो कहेंगे कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो बुलेट ट्रेन दिखाई गई थी, उसकी छत के ऊपर वोल्वरिन और बाकी के जो विलन यहां पर लड़ रहे थे। और अब बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। वोल्वरिन इस मूवी के अंदर जापान जाता है या फिर कहूं इसको बुलाया जाता है। एक्चुअल में वोल्वरिन जो है 1945 में जापान के अंदर कैद था, वहां पर जेल में कैद था, एक तरीके से कुएं के अंदर कैद था। और वहां 1945 में जहां पर नागासाकी के ऊपर जब परमाणु बम गिराया जाता है, उस वक्त यहां पर होना, ये एक जापानीज ऑफिसर की जान बचा लेते हैं या फिर आर्मी ऑफिसर की जान बचा लेते हैं, जिसका नाम याशिदा होता है। अब याशिदा इसको इनवाइट करता है जापान में अपने आखिरी टाइम में कि भैया आओ मुझसे मिलकर जाओ, क्योंकि अब हम लुढ़कने वाले हैं। तो वोल्वरिन यहां पर जाता है और यहां पर जाने के बाद ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है, पर चाहकर भी वो वहां से नहीं निकल पाता। ऑब्वियसली लड़की का चक्कर भाऊ भैया, लड़की का चक्कर। इस मूवी की जो स्टोरी है वो ठीक ठाक ही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। और इसके अंदर जो सस्पेंस है, लास्ट में जो सस्पेंस खोलता है, अगर आप इस मूवी को ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियसली आप उस सस्पेंस को पहले ही जान पाओगे कि हाँ इसमें लास्ट में क्या होने वाला है। बट बावजूद इसके ये मूवी आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ कनेक्ट करके रखती है। खासकर इस मूवी की जो फाइटिंग सीक्वेंस है, जितनी भी इसके अंदर फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं, सभी के सभी काफी कमाल के हैं। जैसे कि मैंने कहा बुलेट ट्रेन से रिलेटेड, या फिर जैसे यहां पर वोल्वरिन को एक अंदर उसके शरीर में एक ऐसा कीड़ा कहें या फिर कुछ ऐसी चीज डाल दी जाती है जिससे ये अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे। जो वोल्वरिन की जो पावर है, कभी बूढ़ा नहीं होगा और इसके ऊपर जो भी घाव होंगे वो फट नहीं ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक जो चीज इसके अंदर डाल दी जाती है वो यहां पर ये ठीक नहीं हो पाता। और जब यहां पर ये ठीक होता है, उसके शरीर से जब वो चीज निकाली जाती है, वो जो सीन होता है यार, वो काफी ज्यादा कमाल का होता है। और उससे पहले जो बुलेट ट्रेन के जो सीन हो गए, या फिर लास्ट में जो निंजा के साथ जो लड़ाई दिखाई जाती है, इसको इतने ज्यादा तीर मारे जाते हैं यार, वो सारे सीन बहुत जबरदस्त है। यानी फाइटिंग सीन में तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये मूवी काफी कमाल की है। और इस मूवी के अंदर आप लोग देखोगे तो यहां पर इस मूवी में एक्समैन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दिखाई गई है। एक तरीके से समझो कि वोल्वरिन को अलग उठा के एक अलग से कहानी बना दी गई है, उससे उसमें कोई एक्समैन से उसका कोई नाता नहीं है, जो देखकर थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है। और जब इस मूवी में एंडिंग में जो फाइटिंग हो रही होती है, तो वहां पर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार ये जो वोल्वरिन के जो लोहे वाले नाखून है, क्या वो वापस आ पाएंगे। खैर, जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तो मेरा ना काफी ज्यादा दुखी हुआ था, यार इसके लोहे वाले नाखून चले गए, ये तो काफी ज्यादा फेवरेट थे। खैर, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो शायद आप जब मूवी देखेंगे इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। ये मूवी पसंद आने का रीजन मेरा एक और ये भी था, क्योंकि ये जापान का इसमें दिखाया जाना, जापान का इसलिए क्योंकि यार इतनी सारी एनिमे मूवीज और एनिमे सीरीज देख चुका हूं, तो जापान ऐसा लगता है जैसे दूसरा ही घर है, मतलब बाजू वाले घर को ही दिखा रहे हो इसी के अंदर। और अब बात करूं इसमें परफॉर्मेंस की, तो देखो परफॉर्मेंस में एक सीन आप लोगों ने डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा तो वहां पर बताया गया कि ह्यूग जैकमैन को यहां पर एक शर्टलेस यानी अपनी शर्ट रिमूव करनी थी और उनको एक ऐसा सीन शूट करना था, तो उनको एज पॉसिबल एज अपने शरीर के ऊपर कट शो करने थे, मतलब कट जैसे होते हैं बॉडी बिल्डर वाले, वो कट शो करने थे। तो उसके लिए इन्होंने कोई भी लिक्विड जो है वो 36 घंटों तक कोई भी मतलब लिया नहीं, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं लिया वहां पर, ताकि जो इनका शूट हो, इनका जो फिल्म जो शूट आए वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपनी एक्टिंग अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, तो उसमें बिल्कुल भी कमी नजर नहीं आएगी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीजों की। देखो इसमें जो नेगेटिव चीज, जैसे ऑब्वियसली मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसमें वोल्वरिन में किसी भी मूवी से यानी एक्समैन की किसी भी मूवी से कोई ताल्लुक नहीं दिखाया गया, जिससे चलते ऐसा लगता है कि यार हाँ यार वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है जैसा हम एक्समैन की मूवीज को देखते आए थे, वैसा कोई भी इसके अंदर मजा नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों को निराशा करेगी। दूसरी चीज इसके अंदर नेगेटिव ये लगेगी कि जो इसकी कहानी है वो कहीं ना कहीं आपको लैग करने लगेगी, लगेगा यार इस सीन का इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं था, यहां पर कहानी अपने रास्ते में भटकती हुई थोड़ी बहुत आप लोगों को ऐसा लगेगा। बट मूवी को मैंने इसके एक्शन के बिहाव पे काफी ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि जितने भी एक्शन जैसे मैंने कहा काफी ज्यादा बढ़िया। और लास्ट के इस मूवी में जैसे सीन दिखाया जाता है जहां पर मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स वोल्वरिन से हेल्प लेने आते हैं, जो कि 2014 में आई होती है मूवी एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के नाम से जो मूवी आती है उसी की लीड होती है। जो ये वाला जो सीन देखा मुझे काफी अच्छा लगा कि एटलीस्ट
दो करेक्टर तो दिखाए गए इसके अंदर। खैर मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, इसकी स्टोरी कैसी लगी और आप इससे कितना ज्यादा रिलेट कर पाए। अगर नहीं देखी तो आप वोल्वरिन के फैन है या ह्यूज जैकमैन के फैन है तो आप इस मूवी को वैसे भी मिस नहीं करने वाले क्योंकि इसके अंदर एक्शन काफी ज्यादा बढ़िया है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।